हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो भाई आईआईटी जैम 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 6 सितंबर से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 12 फरवरी 2023 को आपका एग्ज़ाम होगा। तो अभी जो नया सिलेबस है या जो भी जैम 23 की वेबसाइट के ऊपर जो सिलेबस है केमिस्ट्री का, तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि जैम 23 का केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है। पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने लास्ट ईयर वाला सिलेबस देखा होगा 2022 में, तो वो थोड़ा सा अपडेट किया गया था। 2021-2020 का जो सिलेबस था उससे अपडेट कर दिया गया था 2022 में। कुछ थोड़े से एक्सप्लेनेशन और ज़्यादा लिखी थी टॉपिक्स की, ठीक है। तो इस बार भी कोई चेंजेस नहीं है सिलेबस में। जो जैम 2022 का सिलेबस था वही है, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ हर एक टॉपिक को। उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी टॉपिक को समझने की, कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो जैम 23 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं। अगर आप जैम 2023 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारा पढ़ रहे आईआईटी जैम केमिस्ट्री ऐप के ऊपर आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं आईआईटी जैम 2023 के लिए, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर मिलते हैं। 500 प्लस वीडियोज़ हैं जो कि 600 घंटे की रहेंगी आपका, और इसमें आपको जैम 2010 से लेके जैम 2022 तक के प्रीवियस ईयर पेपर का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। साथ के साथ इसमें एमएससी एंट्रेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड है, और आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी मिलती है। आप इन दोनों नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। और इन्हीं वीडियोज़ को, इन 500 वीडियोज़ को देख के बहुत सारे बच्चे आईआईटी एनआईटी में पहुँच चुके हैं। तो अगर आपका भी ड्रीम है आईआईटी से एमएससी करने का, तो आप इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए भाई अब हम चलते हैं सिलेबस की तरफ। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि लिखा रहा है जैम 2023 सिलेबस, और ये मैंने जैम 2023 की ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है। तो भाई बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल उसका मतलब पिछली बार भी बिल्कुल ऐसा ही सिलेबस था दिखने में। ये तो केमिस्ट्री का सिलेबस है, तो सबसे पहले शुरुआत होती है फिजिकल केमिस्ट्री से, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में टॉपिक लिखा हुआ है इन्होंने एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो हम 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, काफ़ी हद तक ये वही है। साथ के साथ में यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स भी इसी के अंदर है। क्वांटम मैकेनिक्स अभी मैं टॉपिक दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बात बता दूँ, जैम 2022 में कोई ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले थे क्वांटम मैकेनिक्स से, और आईआईटी जैम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वांटम मैकेनिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, एक क्वेश्चन आता है मिनिमम, तो यही है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में फ्लैंक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत थोड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। डी ब्रोगली पोस्टुलेट्स हो गए, हाइजनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन इंक्लूडिंग मैथमेटिकल ट्रीटमेंट पोस्ट। तो यहाँ तक अगर आप देखेंगे, यानी कि फ्लैंक्स वाले से लेकर ट्रीटमेंट तक देखेंगे, ये है आपका 11th क्लास वाला एटॉमिक स्ट्रक्चर, और यहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म आता ही आता है लगभग हर साल। उसके बाद स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे आपका क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, नॉर्मलाइज्ड एंड ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, आइडिया ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सिग्निफिकेंस ऑफ साइज स्क्वायर ऑपरेटर्स, पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स, रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शंस फॉर हाइड्रोजन एटम, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड मैक्सिमा। देखिए, कोई नेट लेवल तक का पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। हालांकि जैम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वांटम मैकेनिक्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे आपका क्वांटम नंबर से रिलेटेड शेप्स ऑफ एसपीडी ऑर्बिटल्स हो गया। तो ये जो है ना, ये दो टॉपिक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर प्लस में क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। उसके बाद गैसियस स्टेट, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं थोड़ा बहुत ही, मतलब ज़्यादातर तो जेई लेवल का आपने अगर पढ़ा है तो वही होता है, थोड़े बहुत टॉपिक यहाँ पे भी अलग होते हैं। तो ये गैसियस स्टेट, जिसे हम थ्योरी ऑफ गैसेस भी बोल देते हैं, एक ही बात है। काइनेटिक मोलिकुलर मॉडल ऑफ गैस, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन डायामीटर, मीन फ्री पाथ, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, मोलिकुलर वेलोसिटीज, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं प्रीवियस ईयर में। मोलिकुलर बेसिस ऑफ हीट कैपेसिटी, आइडियल गैस,
डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, वंडरवाल गैस इक्वेशन से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये है जी आपका गैसीय स्टेट। देखिए ये जो लिक्विड स्टेट आपको दिखाई दे रहा है, हालांकि इससे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जैम 2022 में, लेकिन ये जैम 2022 में ही पहली बार ये टॉपिक इंक्लूड किया गया था, इस तरीके से लिखा गया था। तो यहाँ पे है आपका क्या क्या भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, इस टाइप के। नेक्स्ट टॉपिक इज योर सॉलिड स्टेट। भाई सॉलिड स्टेट में वही सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पे, यूनिट सेल, मिलर इंडिसेस, क्रिस्टल सिस्टम, ब्रेवियस लैटिस, एलिमेंट्री एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर टू क्रिस्टल सिस्टम, ब्रैक्स ला से क्वेश्चन आ जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ एनएसीएल, सीजियम क्लोराइड, केसीएल। ये सारे टॉपिक्स है ना आपको डिटेल में कवर किए गए हैं जो पढ़ रहे आईआईटी जैम ऐप पे कोर्स है जैम 2023 का, सब कुछ वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट है, ठीक है सब कुछ। हालांकि यहाँ पे देखिए डिफेक्ट से भी क्वेश्चन पूछने को, पहले इतने टॉपिक इतने अच्छे से वो लिखता नहीं था। जैम 2022 में जब सिलेबस अपडेट किया तो उन्होंने सब टॉपिक्स भी लिखे, पहले वो सिर्फ लिखता था कि भाई आपका भाई सॉलिड स्टेट और उसमें एक दो नाम लिख देता था, लेकिन जब जैम 22 में अपडेट किया सिलेबस तो सब कुछ डिटेल में लिखा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल थर्मोडाइनमिक्स, इसी में आप प्लस ऐड कर सकते हैं थर्मोकेमिस्ट्री भी इसी में ऐड कर सकते हैं आपका। तो ये थोड़ा सा बढ़िया लेवल का यहाँ पे लिखा हुआ है, हालांकि जैम 2022 में इस लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछने को मिले थे, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे गए थे। तो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, एग्जैक्ट एंड इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स, तो ये एक बार आप डिटेल में आप खुद भी देख लीजिएगा। देखिए गिब्स ड्यूहम इक्वेशन हो गया, केमिकल पोटेंशियल, तो जैम 2021 में 20 में लेवल काफ़ी हाई कर दिया था जैम एग्जाम का, बहुत ज़्यादा हाई कर दिया था, है ना। तो ज़्यादातर जो कंटेंट है वो आपका गेट टाइप का या नेट टाइप का पूछा जाने लगा था, बट जैम 2022 में वापस से लेवल वही लेके आया गया और वो सही भी है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज योर केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रिया, साथ के साथ यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा आयोनिक इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम भी इसी का पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए लाजो मास एक्शन, के पी के सी, ली चटलियर प्रिंसिपल, तो यहाँ तक हो गया ये केमिकल इक्विलिब्रियम। उसके बाद स्टार्ट हो जाता आयोनिक इक्विलिब्रिया इन सॉल्यूशन। और उसके बाद यहाँ पे देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर क्या सॉल्यूशन जो चैप्टर होता है हमारा 12th क्लास में, या फिर जिसे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, क्या वो हमारे सिलेबस में है? मैं कहूँगा यस। देखिए यहाँ पे केमिकल, फेज, आयोनिक, प्लस इसी में आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन आते हैं हर साल जैम में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिएगा डाइल्यूट सॉल्यूशंस, यानी कि राउट्स ला, हेनरीज लो, देयर एप्लीकेशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो भाई कहने का मतलब ये है कि इसमें केमिकल फेज इक्विलिब्रिया प्लस आयोनिक इक्विलिब्रियम प्लस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और या कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वजह से आप उसे डाइल्यूट सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं। तो ये रहा। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ टॉपिक आपको काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ने होते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो ये सारा सिलेबस यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लिखा हुआ है। फिजिकल केमिस्ट्री का काफ़ी डिटेल में सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद है भाई आपका केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में भी कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी हाई लेवल की पढ़नी होती हैं, कभी कभी कभार पूछ लेते हैं, हर बार नहीं भी पूछते हैं, लेकिन आपको अपना हाई लेवल मेंटेन रखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें देखिए एंजाइम कैटालिसिस ये आपका हो जाती है, नेट में ज़्यादा पूछी जाती है वैसे, चेन रिएक्शंस होगी ये भी पूछी जाती हैं, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन आए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आ गया जी एडजॉर्प्शन, ठीक है ना, एडजॉर्प्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो गिब्स एडजॉर्प्शन इक्वेशन भी आपसे पूछी जाती है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म भी पूछी जाती है, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, फिजियोसॉर्प्शन, कैमियोसॉर्प्शन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे है जी स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसमें आपका बियर्ट्स लैम्बर्ट ला गया, फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ रोटेशनल भी आपको पढ़नी है, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ये आपका फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है। तो ये जो मैंने आपको बताया यही टॉपिक है आपका यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री के। उसके बाद देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले जो ये टॉपिक आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब पहले है ना बेसिक कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसको हम जीओसी भी बोलते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, एक तो आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ने होते हैं, रेजोनेंस, इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक, स्टेरिक इफेक्ट पढ़ने होते हैं। उसके बाद इसी की एप्लीकेशन, तो इनकी एप्लीकेशन में स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स भी आ जाता है, एसिड बेस, भाई किसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, किसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी, वो भी यहीं पे आ जाता है।
और स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पूछा जाता है भाई, कभी कभी तो बहुत मुझे याद है कि जैम 2022 में 8 क्वेश्चन पूछे थे स्टीरियो केमिस्ट्री से, तो काफ़ी बार स्टीरियो केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का भी ज़्यादा नंबर्स का पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये दो टॉपिक का कॉन्ट्रीब्यूशन है, GOC प्लस में आपका स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म एंड सिंथेटिक एप्लीकेशन। तो इसमें जो मैंने डिवाइड किया हुआ टॉपिक दैट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो आपका एक पूरा टॉपिक होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट, जिसमें कार्बोकटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, ये 6 के 6 आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट्स पढ़ने होते हैं। इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एंड इनकी नेम रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं। जैसे कार्बोकटाइन्स में आपको हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ाते हैं, है ना, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन पढ़ाते हैं, एंड कार्बोकटाइन की कुछ नेम रिएक्शन जैसे पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट हो गया, डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट हो गया, एंड और भी बहुत सारी नेम रिएक्शन हैं जो कि कार्बोकटाइन में आती हैं, फ्री रेडिकल में आती हैं, कार्बीन की जैसे आपका याद होगा राइमर टाइम नेम रिएक्शन होगी, तो सारी नेम रिएक्शन इन्होंने वैसे अलग से भी लिखा हुआ, लेकिन मैं उसको रिएक्शन इंटरमीडिएट में ही पढ़ाता हूँ कोर्स में। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक टॉपिक मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको कि पहला जो टॉपिक है यहाँ पे जो आपको करना है दैट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। उसके बाद प्लस में नेक्स्ट टॉपिक इज योर रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको क्या क्या पढ़ना है भाई, SN1, SN2, E1, E2, EI, E1CB सब कुछ। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म। कहने का मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये होता है आपका रिएक्शन मैकेनिज्म का टॉपिक, ये होता है आपका रिएक्शन मैकेनिज्म का टॉपिक। उसके बाद देखिए ये जो नेम रिएक्शन दिख रही है ना आपको, ये ज़्यादातर कवर हो जाती हैं इंटरमीडिएट्स में, तो मैं तो भाई सारी को इंटरमीडिएट्स में ही कवर कर देता हूँ। जैसे अगर आप बात करेंगे होफमैन, कर्टियस, लूजन, तो इनको हम नाइट्रीन से रिलेट करके पढ़ा देते हैं, वुल्फ रीअरेंजमेंट, सीमन स्मिथ हम कार्बिन से रिलेट करके, राइमर टाइमन भी कार्बिन से, माइकल रिएक्शन, डार्जन्स रिएक्शन, तो ये सारी आप इनको अलग से भी पढ़ सकते हैं और आप इनको इंटरमीडिएट के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट प्लस में रिएक्शन मैकेनिज्म प्लस में नेम रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज योर रीएजेंट। क्या आ गया नेक्स्ट टॉपिक इज योर रीएजेंट। तो यहाँ के बाद यहाँ तक नेम रिएक्शन खत्म हो जाती है। उसके बाद देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि ये रिएजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए, रिड्यूसिंग एजेंट हो गए, एंड साथ के साथ ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट हो गए, जैसे कि ग्रिगनार्ड, ऑर्गेनोलिथियम, ऑर्गेनोकॉपर, ये सारे। ठीक है, उसके बाद यहीं पे जो नेक्स्ट टॉपिक है ये आपका दैट इज पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। क्या है जी, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। तो देखो काफ़ी इसमें ना पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई, मैक्सिमम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ इतने में लिख के इन्होंने निपटा दी है, मैक्सिमम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट इज योर पेरीसाइक्लिक, जिसमें डाइल सेल्डर भी है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक भी है, सिग्माट्रोपिक भी है, तो ये आपका यहाँ तक आ गया। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम यूजिंग केमिकल रिएक्शन। तो ये मेन है जी आपका, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपका, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक, रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गया, रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, नेम रिएक्शन हो गई, रिएजेंट हो गया, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन हो गया, तो मेन जो है आपका वो यही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद आपका आ जाता है जी क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस, जिसे हम ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो पहले तो कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे भाई 2,4-DNP टेस्ट, ये पूछा जा रहा है लगातार जैम में, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक नहीं आई थी तो हम तो डिफरेंट टेस्ट का यूज़ करते थे, जैसे आपने नाम सुना होगा ब्रोमीन वाटर टेस्ट, FeCl3, तो वो टेस्ट सारे आपको करने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे आइडोफॉर्म टेस्ट है, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया अभी आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में UV अल्ट्रावायलेट भी पढ़नी है, IR, एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये आपका सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। 1H फर्स्ट प्रायोरिटी पे NMR, सेकंड पे IR और थर्ड पे UV, हालांकि UV से कोई खास क्वेश्चन आपका पूछे नहीं गए IIT जैम में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज योर नेचुरल प्रोडक्ट्स, जिसमें अल्कलॉइड्स हो गया, स्टेरॉइड्स, टर्पिन्स, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपका कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड एंड ये वाला, कभी कभार आपका जो है टर्पिन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है ये। लास्ट टॉपिक जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दैट इज एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। तो मोनोसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक, ट्राईसाइक्लिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, उनसे रिलेटेड रिएक्शंस पढ़नी है, रिएक्टिविटी, प्रॉपर्टीज़, एरोमेटिसिटी, हालांकि हम GOC में पढ़ा देते हैं इसको, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यहीं पे आपको थोड़ा बहुत हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में भी पढ़ना है।
ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, है ना। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज यही बेसिक चैप्टर भी होता है पूरी केमिस्ट्री का। तो इसमें आपको एटॉमिक कोवलेंट आयनिक रेडियाई आयनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये सब, यानी कि बेसिक ही है ये, कोई ज़्यादा एडवांस आपका नहीं होता है। ये आपका बेसिक ही होता है, ज़्यादा एडवांस नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको जो ये दिख रहा है यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, इस टॉपिक का नाम होता है मेटलर्जी ना। इस टॉपिक का नाम क्या है? मेटलर्जी। तो इसमें बेसिकली आपका ये आते हैं भाई और पूछ लेगा आपसे, या फिर किस मेथड से किसको हम कंसंट्रेशन मेथड भी होते हैं और भी प्योरीफिकेशन के लिए भी मेथड होते हैं, वो सब यहाँ से इलंगम डायग्राम, यानी कि 12th क्लास का जो मेटलर्जी चैप्टर होता है वही है ये। उसके बाद है जी केमिकल बॉन्डिंग एंड शेप्स। तो ये पूरा केमिकल बॉन्डिंग काफ़ी अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ, ऑलरेडी मैंने भी पढ़ाया हुआ। तो केमिकल बॉन्डिंग को आप ऐसे तोड़ सकते हैं, एक आयोनिक बॉन्ड होता है एंड उसके बाद स्टार्ट हो जाता है आपका कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, यहाँ से कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में आपको बोर लैंडेज इक्वेशन भी पढ़ाते हैं, आपका मेडलन कॉन्स्टेंट, बोर हैबर साइकिल सोल्वेशन, ये सब पढ़ाया हुआ आपको कोर्स में। उसके बाद कोवलेंट में आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी पढ़नी है, आपका वेसपर थ्योरी भी पढ़नी है एंड मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी भी पढ़नी है। तो बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको इसी तरीके से पढ़ाया भी गया है कोर्स के अंदर। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हो एक बार कोर्स को ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको इस यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपके काम की हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज योर मेन ग्रुप एलिमेंट्स। तो इसमें आपको हाइड्रोजन भी पढ़ना है, एस ब्लॉक भी पढ़ना है, पी ब्लॉक भी पढ़ना है। तो ये आपका सब आ गया इसमें सब, उनके कंपाउंड्स भी पढ़ने हैं, उनके ऑक्सो एसिड्स भी पढ़ने हैं, उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी पढ़ने हैं, है ना। तो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो ये आपका मेन ग्रुप एलिमेंट्स एस ब्लॉक पी ब्लॉक। एस ब्लॉक में अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18। इसके साथ साथ आपको हाइड्रोजन भी पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अब यहाँ पे लिखने में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ये ट्रांजिशन मेटल्स लिखा हुआ है, बट ये है तीन टॉपिक का पार्ट्स। तो क्या क्या तीन टॉपिक है इसमें? सबसे पहला टॉपिक होता है यहाँ पे डी ब्लॉक। उसके बाद होता है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और उसके बाद यहाँ पे होता है आपका ओएमसी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो इसमें है ना ये तीन टॉपिक हैं। देखो कहा कैसे, सबसे पहले बोला करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि उनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड सोल्ट हो गए। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो गया कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, उनकी स्ट्रक्चर, आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो गया ऑर्गेनोमेटालिक्स कंपाउंड विद लिगेंड, मेटल लिगेंड, सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, ये सब हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज योर बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम एंड उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पढ़नी होती हैं। उसके बाद ये टॉपिक है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मेंशन जरूर है लेकिन पूछे नहीं जाते हैं। इनके क्वेश्चन कभी कभार ही आते हैं एग्जाम में, ये थोड़े से अलग टाइप के ही टॉपिक हैं। फिर भी आप देख लीजिएगा ये दो टॉपिक और होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस जिसमें आपका बेसिक प्रिंसिपल्स, इंस्ट्रूमेंशंस, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, ये सब। एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी कभी कभार एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एसिड बेस टाइट्रेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी होती हैं। अच्छा जी, अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर क्या न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी है क्या हमारे सिलेबस में? तो मैं कहूँगा यस, न्यूक्लियर केमिस्ट्री आपके सिलेबस में है। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड रेडियो एक्टिविटी, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता भाई। तो जो आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री नाम का टॉपिक होता है वो भी आपके सिलेबस में है और मैंने तो ऑलरेडी आपको सिलेबस में पढ़ाया भी हो। अच्छा, आप कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैथमेटिक्स कंसेप्ट भी है क्या? तो ये रहा जी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इन एरर एनालिसिस, एलिमेंट्री स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी। तो थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स भी आपको पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये था जी आपका जैम 2023 का ऑफिशियल सिलेबस, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, होप कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। अब भाई सिलेबस देखने से कुछ नहीं होगा, इसको पढ़ने से बात बनेगी और पढ़ने के लिए आपको चाहिए एक बहुत ही बढ़िया स्टडी मटेरियल, जो कि यानी कि एक बहुत ही बढ़िया ऑनलाइन कोर्स जो कि आपको पढ़ रहे IIT जैम ऐप पे मिल ही जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो ज़रूर ट्राई करेंगे एक बार इस कोर्स को, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये दोनों कॉन्टैक्ट नंबर आपको शो हो रहे होंगे, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं ज़्यादा अपडेट्स के लिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल लगी है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ज़्यादा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।